संगीत सरिता संगीत सरिता के रसिकों को हमारा नमस्कार। मैं उमाकांत गुंदेचा और मेरे छोटे भाई रमाकांत गुंदेचा आपके समक्ष हिंदी काव्य की कुछ श्रेष्ठ कविताओं को ध्रुपद शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम आपको हिंदी कवि पद्माकर की रचना को प्रस्तुत करेंगे। हिंदी कवि पद्माकर का हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी जो कविता है, आयो मन हाथ तब आई बो न रहयो कछु, भायो गुरु ज्ञान फेरी भाई बो कहाँ रहयो, कहे पद माकर सुगंध की तरंग जैसे, पायो सतसंग फेरी पाई बो कहाँ रहयो, दान बल बान बल विविध बितान बल, छायो जस पुंज फेरी छाई बो कहाँ रहयो। तो ये जो कविता है इसको हम राग पूर्या धनाश्री में प्रस्तुत करेंगे और इसकी ताल है सूल ताल। सूल ताल 10 मात्रा का ताल है और ये पखावज पर हमारे छोटे भाई श्री अखिलेश गुंदेचा बजाएंगे। राग पूर्या धनाश्री संधि प्रकाश राग है, काफ़ी लोकप्रिय राग है। इसमें ऋषभ और धैवत यानी रे और ध कोमल होते हैं और म जो है वो तीव्र होता है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ध्रुपद डागर शैली में सीखे हैं और ध्रुपद की इस शैली की खास विशेषता इसका आलाप होती है। राग में आलाप का क्रमबद्ध विस्तार होता है, एक एक सुर को आगे बढ़ा जाता है। तो लीजिए प्रस्तुत है राग पूर्य धनाश्री में पद्माकर का पद, आयो मन हाथ तब आई बो न रहयो कछु।
कर सुगंध की तरंग जय जय काहे पदमा कर सुगंध की तरंग जय जय पदमा कर सुगंध की तरंग जय जय पायो सत संग फेरी पायो सत संग फेरी आई गो करो आयो मन हाथ तब आयो मन हाथ तब आयो मन हाथ तब। अब आप राग पुरिया धनाश्री पर आधारित एक गीत सुनिए। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रृंखला ध्रुपद में हिंदी की श्रेष्ठ कविताएं। आज की ये थी चौथी कड़ी। प्रस्तुति उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेचा की। पखावत संगत अखिलेश गुंदेचा। प्रस्तुतकर्ता प्रकाश शुजालपुरकर। ये आकाशवाणी भोपाल केंद्र की भेंट है। Da ba da ni da da, da ba da ni da.